अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, गोलीगुड़ा चमन की दरगाह के दामन में कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान की बद से बदतर हालत है, कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई देखने वाला नहीं। यहां पर गंदगी है, शराब नोशी की जा रही है, जुआ खेला जा रहा है, हर नशे का काम किया जा रहा है। कोई देखने वाला नहीं, कोई साफ सफाई करने वाला नहीं। बातें तो बड़ी बड़ी की जाती है लेकिन अमली तौर पर पूरी तरह से जिफर है, यहां पर कुछ काम नहीं हो रहा है। जरा इस पर तवज्जो डालें, वो लोग जो अपने आप को नेशनल रिपोर्टर कहते हैं और मामलेदारी के तस्वीरात डालते हैं, वक्फ जायदादों के तस्वीरात डालते हैं और जहां पर मामला करना है उसके तस्वीरात डालकर अपना सेटलमेंट करते हैं, लेकिन ऐसे जगहों पर उनकी नजर नहीं जाती। बहरहाल फौरन इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। यहीं के नौजवानों ने ये वीडियो हम तक पहुँचाया ताकि हम इसको मंजराम पे लाएं। मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़ हैदराबाद। भाई MGPS गोलीगुड़ा चमन के सामने जो दरगाह खतीम कुतुबशाही दौर की दरगाह है, यहाँ पर इतनी गंदगी कर रहे हैं कि अंदर आके शराबा पीते पूरे और बाथरूमा टॉयलेटा करते और गंदे गंदे काम हो रहे। ठाड़ा पूरे बड़े होने से कोई मालूम नहीं पड़ता। हुकूमत से इल्तिजा है कि यहाँ पर आके जल्द से जल्द साफ़ कराइए। और खतीम कब्रिस्तान है, बहुत बड़ी जगह है, कोई जगह छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी जगह है। यहाँ पर आके अगर आप आबाद करना चाहें तो आबाद भी कर सकते हैं। कब्रिस्तानी ये देखिए, ये खतीम कब्रिस्तान है, दो मज़ार है इसके अंदर और भी कब्रिस्तान है। अंदर पूरे झाड़ा उठ गए, सोए जगह जगह पूरी गंदगी भरी हुई है। पर हुकूमत से हम पिछले 5-6 साल से पीछे पड़े हुए कि कोई हुकूमत कुछ काम नहीं करी। TRS की हुकूमत भी ऐसी थी, कांग्रेस की हुकूमत भी ऐसी थी, कोई तवज्जो नहीं है इसके ऊपर। एक याद विजिट करके जाइए आप लोग, ये ना हमारे घर का है ना किसी घर का है, अल्लाह का घर है, समझ के काम कराइए साहब, मेहरबानी होंगी आप लोगों की। हमारा कोई जाती हमारा वो नहीं है, यहाँ पे पूरी सफाई नहीं, यहाँ पे गंदगी आखिरी गंदगी जिनाखोरी तक चल रहा है यहाँ पे, ना वॉशरूम, गंदगी, शराबा पीना, हर चीज़ है यहाँ पे। आप देखिए पूरे झाड़ा उठे हुए, पूरे इधर देखिए आप, पूरे झाड़ा उठे हुए, कोई चीज़ की कोई देखने वाला नहीं है। अंदर आने के वास्ते तक रास्ता नहीं है, पूरे अंदर शराब के शीशियाँ उशियाँ पूरे पड़े हुए। इधर ये दरगाह, ये कुतुबशाही दौर की दरगाह है, आजकल की नहीं है, कुतुबशाही दौर की दरगाह है। ये पूरा वक्फ बोर्ड में है, वक्फ बोर्ड से इल्तिजा है कि ये जल्द से जल्द आप इसको साफ़ करें, ये इसके ऊपर तवज्जो दीजिए। और साइड के दीवारा उड़ गए, पूरे बसा वाले तोड़ दिए सर, मेन गेट है सर वो भी खुली है, गेट भी बनाइए, इसको पूरा पैक करिए। हुकूमत से इल्तिजा ये है कि हम TRS हुकूमत को भी बोले, कोई कुछ काम नहीं करी TRS हुकूमत, और ये तेलंगाना हुकूमत से भी ये इल्तिजा है कि जल्द से जल्द साफ़ कराइए सर, प्लीज़। बिल्डिंग और CC रोड की मजबूती जितनी ज़रूरी है जितनी कंस्ट्रक्शन मटेरियल की क्वालिटी। हैदराबाद शहर में जाना माना नाम और भरोसेमंद की पहचान कंक्रीट रेडीमिक्स, अब सिर्फ आसिम इंफ्रा रेडीमिक्स कंक्रीट पर, जहां नंबर 1 क्वालिटी सीमेंट व दीगर मटेरियल से रेडी किया जाता है। सालों साल की गारंटी आसिम इंफ्रा रेडीमिक्स कंक्रीट की, पंपिंग डंपिंग 24/7 सर्विस के साथ हैदराबाद शहर में इंतहाई कम कीमत पर रेडीमिक्स कंक्रीट का नंबर 1 मियार फराहम करते हैं। क्यूब टेस्ट रिपोर्ट के साथ असलम चेक, गारंटी स्ट्रेंथ, एक्सपीरियंस स्टाफ, मिक्स कंक्रीट की बरवक्त फरहमी। तो अपने सपनों और मेहनत से बनाए जाने वाले मकान को मजबूती से बनाएं आसिम इंफ्रा रेडीमिक्स कंक्रीट के साथ, जो वाकई है बालापुर, मल्लापुर, रंगारेड्डी पर और ऑफिस नलगुंडा एक्स रोड मलकपेट पर। किसी भी जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 7013690671 या फिर 9951971845 पर।